नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में धरती फटी, कई किलोमीटर सड़क दोस्तों धरती में समा गई है, कई नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। मेरठ में गंगा कटान के चलते पुल को जोड़ने वाली सड़क धसी, बिजनौर रूट पर थमा यातायात। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा के कटान के चलते पुल के नीचे से पिचिंग दोस्तों हटने की वजह से पूरा का पूरा पुल दोस्तों ढह गया है, सड़क भी टूट गई है, जिसकी वजह से चांदपुर से मेरठ जाने वाले सभी वाहन दोस्तों रुक गए हैं, आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस तरह मवाना से चांदपुर जाने वाला मार्ग भी पूर्ण रूप से बाधित हो गया है, जिससे मेरठ से चांदपुर, रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी उफान पर चल रही है, जिसके चलते कटान भी तेजी से हो रही है। कटान की वजह से दोस्तों ये पुल भी ढह गया है और सड़क भी दोस्तों धस गई है। वहीं पुल किनारे लगा बोर्ड भी बैरियर बनकर सड़क के बीचों बीच गिर गया था। कुछ दिन पूर्व रूट डायवर्जन के दौरान कौशाम्बी, नोएडा, चांदपुर, अफजलगढ़ डिपो की बसें इसी पुल से होकर गुजर रही थी, लेकिन अब सभी वाहनों के लिए पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया है, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। चूंकि ये मार्ग दूरी कम है, इसलिए रोडवेज बसें अभी तक इसी मार्ग से निकल रही थी, परंतु मार्ग बाधित हो जाने से बसों को फिर से लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को क्षतिग्रस्त सड़क से दूर किया और गंगा पुल से पहले पड़ने वाले बैरियर पर ही वाहनों को लौटाना शुरू कर दिया। तो पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश के कारण हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा गया है। शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार सुबह 10 बजे तक 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। दिन में भी हथनीकुंड बैराज से नदी में पानी छोड़ा जाएगा, जिसके कारण नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के अनुसार यमुना नदी में पानी का जलस्तर अवश्य बढ़ रहा है, इसलिए दोस्तों बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सड़क धस गई है, आवागमन बंद कर दिया गया दोस्तों है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है, गंगा यमुना नदी उफान पर आ गई है। अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे कॉमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।